अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड हैं। ओके, ये लुक का पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो प्ले करता है, और एक ये फेरी वाला पार्ट है। तो पहले वाले पार्ट पे आते हैं, जो ये लोग जो प्ले करते हैं। क्वींस होता है वो कारपेंटर बना होता है। क्वींस कारपेंटर बना होता है, और ये प्रोलॉग बताते हैं। प्रोलॉग मतलब एन इंट्रोडक्शन टू अ प्ले। सेकेंड स्नग, ये जॉइनर होता है, और ये पायरामिस बना होता है। और ये प्ले का जो नाम होता है, पहले इसका नाम होता है द मोस्ट लामेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूवल डेथ ऑफ पायरामिस एंड थिस्बी। लामेंटेबल, लामेंटेबल मतलब वेरी बैड एंड रिग्रेटेबल। ओके, स्नग होता है वो जो जॉइनर होता है। जॉइनर अ पर्सन हु मेक्स द वुडन पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग। ओके, तो ये पायरामिस बना होता है। बॉटम द वीवर, थिस्बी, थिस्बी बना होता है ये। फ्लूट द बेलोज मेंडर, ये वॉल बना होता है। बेलोज मतलब अ डिवाइस यूज फॉर ब्लोइंग एयर इन टू फायर। ओके, अ डिवाइस यूज फॉर ब्लोइंग एयर इन टू फायर, और ये वॉल बना होता है। स्नाउट द टिंकर, ये लायन बना होता है। स्टारवलिंग द टेलर, ये मूनशाइन बना होता है। ओके, यहाँ पे भी अब यहाँ पे आते हैं। थीसियस, ये होता है राजा, एथेंस का राजा होता है। ईगियस फादर ऑफ हर्मिया, ईगियस होता है ये फादर ऑफ हर्मिया होता है। और ये चार होते हैं, लाइसेंडर, हर्मिया, डिमिट्रियस, हेलिना। लाइसेंडर प्यार करता है हर्मिया को, और हर्मिया भी प्यार करती है लाइसेंडर को, और डेमिट्रियस प्यार करता है हर्मिया को, और हेलिना प्यार करती है डेमिट्रियस को। ओके, लाइसेंडर प्यार करता है हर्मिया को, हर्मिया प्यार करती है लाइसेंडर को, डेमिट्रियस भी हर्मिया को प्यार करता है, और हेलिना डेमिट्रियस को प्यार करती है। और लाइसेंडर चाहता, और ईगियस जाता है थीसियस के पास। वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि हर्मिया शादी कर ले डेमिट्रियस से, लेकिन हर्मिया प्यार करती है लाइसेंडर को। तो लाइसेंडर ये सोचता है कि मैं हेलिना, हर्मिया को लेके एथीन्स के बाहर चले जाता हूँ। एथीन्स के बाहर लाइसेंडर की एक आंट आंट होती है जो एथीन्स के बाहर रहती है फॉरेस्ट एरिया में। तो वो सोचते हैं वहाँ चले जाता हूँ, और वहाँ पे से हर्मिया से शादी कर लेता हूँ। तो ये लोग दोनों निकल जाते हैं बाहर, और ये लोग दोनों भी निकल जाते हैं ये लोग के पीछे। तो ये चारों चले जाते हैं थोड़े जंगल वाले एरिया में। फिर तितानिया होती है, एक बॉय को उसने रेस्क्यू किया होता है। तो ओबेरॉन बोलता है कि ये लड़का मेरे को दे दो। तो तितानिया बोलती है नहीं, ये लड़का नहीं दे सकती मैं। तो ओबेरॉन, ये पक पक होता है ना, ये पक ये ओबेरॉन के लिए सब काम करता है। ओबेरॉन किंग ऑफ फेरीज, तितानिया क्वीन ऑफ फेरीज, पक और रॉबिन गुड फेलो और फेरी, ये पक ओबेरॉन के लिए सब काम करता है। तो ओबेरॉन ऑर्डर करता है पक को कि तुम जाओ और एक हर्ब लेके आओ, और वो हर्ब जब जिसकी भी आँख में डाल देंगे तो वो जब उठेगा तो वो जिस भी पर्सन को देखेगा उससे प्यार करने लगेगा। तो फिर और ओबेरॉन डेमिट्रियस और हेलिना को जंगल में फाइट करते हुए देख लेता है। तो फिर ओबेरॉन ये बोलता है पक को कि एथीनियन मैन की आँखों में ये जूस डाल दो। फिर पक ऐसा ही करता है। तितानिया जब सो रही होती है तो उसकी आँखों में वो जूस डाल देता है, और फिर वो देखता है एथीनियन मैन। तो उधर उसको लाइसेंडर और हर्मिया सो रहे होते हैं, तो वो गलती से लाइसेंडर की आँखों में वो जूस डाल देता है। फिर लाइसेंडर जब उठता है तो वो हेलिना को देख लेता है। तो वो जब हेलिना को देखता है तो हेलिना से प्यार करने लगता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि वही वुड्स में बॉटम बॉटम भी वहीं पे सो रहा हो, मतलब वहाँ पे थोड़ा दूर बॉटम सो रहा होता है। तो पक क्या करता है, बॉटम के हेड को एक डोंकी के हेड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब बॉडी बॉटम की होती है, लेकिन जो हेड होता है वो डोंकी का हो जाता है। तो और फिर तितानिया उठ के उसको देख लेती है। तो तितानिया उससे प्यार करने लगती है, बॉटम से, जिसका जिसका जिसके पास डोंकी का हेड है। और फिर पक जाके ये सब बताता है ओबेरॉन को कि मैंने ये सब किया हूँ, कि मैंने बॉटम के हेड को डोंकी के हेड में कन्वर्ट कर दिया हूँ। और फिर तितानिया उससे प्यार करती है। फिर वो लोग देखते हैं कि डेमिट्रियस अभी तक सोया है। तो फिर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग ने गलत आदमी की आंखों में जूस डाल दिए हैं। फिर डेमिट्रियस जब सो रहा होता है तो उसकी आंखों में वो लोग जूस डाल देते हैं, और फिर वो उठता है तो हेलिना को देख लेता है, और फिर वो भी हेलिना से प्यार करने लगता है। फिर अभी डेमिट्रियस भी हेलिना से प्यार कर रहा है, और लाइसेंडर भी हेलिना से प्यार कर रहा है। अभी हर्मिया
हेलिना से लड़ने लगती है, और हेलिना हर्मिया को बोलती है कि तुम मेरे से मत लड़ो। फिर ओबिरॉन बक को बोलता है कि एक दूसरा हर्ब लेके आओ और लाइसेंडर की आंखों में डाल दो, तो लाइसेंडर ठीक हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये सब एक सपना था। तो फिर पक क्या करता है, चारों को सुला देता है, लाइसेंडर, डर्मिया, लाइसेंडर, डेमिट्रियस, हेलिना और हर्मिया, चारों को सुला देता है, और लाइसेंडर की आंखों में वो दूसरा वाला हर्ब डाल देता है जिससे कि लाइसेंडर ठीक हो जाता है। फिर टिटानिया और बॉटम बॉटम को भी सुला देता है, और बॉटम के हेड को वो रिप्लेस कर देता है, वो वापस नॉर्मल जैसा कर देता है बॉटम को, और उसके हेड को भी रिप्लेस कर देता है। और फिर जब टिटानिया उठती है तो टिटानिया ओबिरॉन को देखती है, टिटानिया को भी ठीक कर देते हैं उन लोग, और ओबिरॉन एक हर्ब डाल देता है टिटानिया की आंखों में जिससे टिटानिया ठीक हो जाती है। और फिर वहाँ पे थीसियस आता है, थीसियस देखता है कि ये चारों सो रहे हैं, और फिर लाइसेंडर बताता है कि वो हर्मिया से शादी करना चाहता है लेकिन एथेनियन लॉ के हिसाब से वो उससे शादी नहीं कर सकता। और फिर थीसियस ही ऑर्डर करता है कि ये कपल्स को एथिन्स लेके चलो और वहाँ पे मैं टेंपल में इन लोग की शादी कराऊँगा। और फिर बॉटम वो जाग जाता है और वो ठीक हो जाता है। और फिर और बॉटम बोलता है कि इन लोग का प्ले प्रिफर्ड हो गया है और थीसियस को इन लोग का प्ले देखने का है। और फिर इन लोग के प्ले का नाम रखते हैं अ टीडियस ब्रीफ सीन ऑफ यंग पैरामिस एंड हिज लव थिस्बी वेरी ट्रेजिकल मर्थ। और इसमें जो लवर्स होते हैं वो होते हैं पायरामस और थिस्बी, और वहाँ पे एक वॉल होता है, मूनशाइन होता है और लायन होता है प्ले में। ओके, थैंक यू।